साबिक चैंपियन मोहम्मद सज्जाद ने कौमी स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। 16 साल एहसन रमजान टाइटल तो ना जीत सके लेकिन शानदार खेल की बदौलत शायकीन के दिल जरूर जीत लिए। इवेंट का दिलचस्प फाइनल बीजीओ सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। तफसील बताएंगे अतीकुर रहमान। कराची में हुई नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में साबिक चैंपियन मोहम्मद सज्जाद और 16 साल के एहसन रमजान के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। 13 फ्रेम पर मुश्तमिल फाइनल 6-6 फ्रेम से भी बराबर हो गया लेकिन फैसलाकुन फ्रेम में मोहम्मद सज्जाद ने तजर्बे का फायदा उठाया और 12 पॉइंट्स के फर्क से न सिर्फ फ्रेम जीता बल्कि टाइटल भी जीत लिया और चौथी बार नेशनल चैंपियन बन गए। मोहम्मद सज्जाद प्रूव्स हिमसेल्फ वंस अगेन। नाज़रीन, बड़ी खुशी हो रही है। ये 4 नेशनल हो गई हैं मेरी और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 147 लगी है। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 21 सेंचुरी ब्रेक खेले गए लेकिन मोहम्मद सज्जाद ने रिकॉर्ड 147 का ब्रेक खेला जिस पर उन्हें 1,00,000 रुपए कैश अवार्ड इजाफी दिया गया। उनके इदारे ने भी उन्हें 147,000 कैश इनाम दिया। दोनों फाइनलिस्ट क्विस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 147 पे 50,000 का इनाम रखा था और फर्स्ट ही टाइम जो है वो उन्होंने ब्रेक करके दिखा दिया क्योंकि एनकरेजमेंट जब होती है प्लेयर की तो वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस के साथ जाते हैं। मेहमान खुसूसी आरिफ उस्मानी ने फातेह क्विस्ट मोहम्मद सज्जाद को ट्रॉफी और 1,00,000 रुपए कैश अवार्ड से नवाजा। रनर अप एहसन रमजान 50,000 रुपए के हकदार बने। कैमरामैन तला खान के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़ कराची।